नमस्कार न्यूज रूम लाइव को स्वागत करुछी माथुरी दर्शक बंधु आज हूँ पवित्र शीतल षष्ठी एथिपाय संबलपुर बेस चलचंचल रही रीतिनीति अनुजाई सेठार मध्य आज कार्य करा जाउछी अर्थात देवदेव महादेव आज विवाह उत्सव एथिपाय संबलपुर सहरर विभिन्न पड़ार शिव मंदिर रे चली जोरदार प्रस्तुति आज सकाळे प्रथमे गंठळ पिठा कार्यक्रम रही मुति पड़ार जागेश्वर नंदपड़ार बालुंकेश्वर बाबा झाड़ुआ पड़ार लोकनाथ बाबा पाखे चली हलदी खेल एवं गणशन कोविड कटकणा जो जदिव अधिक लोक भिड़ नक सेठे रीति नीति अनुजाई पूजा विधि चली अर्थात पूजार जहाँ परंपरा रही परंपरा अनुजाई सेठे पूजार्चना चली किंतु कोविड कटकणा चलित बर्ष भक्तों गहली सेतटा जमी ना मुदीपड़ार जागेश्वर बाबा हलदी खेल संपूर्ण होता बेले झाड़ुआपड़ार लोकनाथ बाबा कन्या घरे तेल हलदी लगाउछंती माता पार्वती को एवं सेठाकर किभली माहौल रही है वर्तमान रीति नीति अनुजाई पूजार्चना केते दूर आगे सेठार आम प्रतिनिधि माने आम सहित जोड़ी हे और सेठाकर सीधासलख दृश्य देखू किंतु कही रखे दर्शक बंधु आज हूँ पवित्र शीतल षष्ठी देवदेव महादेव विवाह उत्सव एथिपाय संबलपुर सहरर विभिन्न पड़ार शिव मंदिर में चली जोरदार प्रस्तुति आज सकाळे प्रथमे गंठळ पिठा कार्यक्रम आरंभ होता एवं मुदीपड़ार जागेश्वर नंदपड़ार बालुंकेश्वर बाबा झाड़ुआपड़ार लोकनाथ बाबा पाखे चली हलदी खेल एवं गणसन अर्थात रीति नीति अनुजाई परंपरा जहाँ रही से ही अनुसार पूजा विधि चली सहित कोविड कटकणा जो अधिक लोक भिड़ नक रीति नीति अनुजाई सेठे पूजा विधि संपन्न हो स्थान जदिव पूजा विधि संपन्न हो पारिना किंतु कार्यक्रम आगे चली जेहेतु मुदीपड़ार जागेश्वर बाबा हलदी खेल संपन्न होनेपटे झाड़ुआपड़ा लोकनाथ बाबा कन्या घरे तेल हलदी लगाउछंती माता पार्वती को आज शीतल षष्ठी एवं जोगाजोग करूँ संबलपुर किभली माहौल रही सेठारे किभली पूजार्चना चली से तमाम दृश्य देखू किंतु आज देवदेव महादेव विवाह उत्सव चली विशेषकर मुदीपड़ार जागेश्वर बाबा हलदी खेल रही अर्थात सेठारे जो रीतिनीति परंपरा मुताबक जहाँ रही हलदी खेल ये जदिव संपन्न हो सारी किंतु झाड़ुआपड़ा लोकनाथ बाबा कन्या घरे तेल हलदी लगाउछंति माता पार्वती देवदेव महादेव आज विवाह उत्सव एथिपाय संबलपुर सहरर विभिन्न पड़ार जो शिव मंदिर रही से शिव मंदिर में जोरदार पूजार्चना चली रीतिनीति जहाँ रही परंपरा मुताबक सेठे पूजार्चना चली आज सका प्रथम गंठल पिठा कार्यक्रम रही ये गोटे निरा कार्यक्रम जहाँकि प्रत्येक वर्ष पालित हुए अंपटे मुदीपड़ार जागेश्वर नंदपड़ार बालुंकेश्वर बाबा झाड़ुआपड़ार लोकनाथ बाबा पाखे चली हलदी खेल एवं गणस्थान प्रकृति में ये जो परंपरा रही ये प्रत्येक थर एभली परंपरा अनुजाई एभली पूजार्चना कराए कि चलित बर्ष टी अलग जेहेतु कोविड महामारी रही कोविड महामारी श्रद्धालुंकर जदिव भिड़ सेतटा देखा मिलना किंतु परंपरा जहाँ रही ठीक परंपरा अनुजाई बा रीति नीति अनुजाई पूजार्चना चली देवदेव महादेव विवाह उत्सव पालन वर्तमान जो सूचना आसूँ मुदीपड़ार जागेश्वर बाबा हलदी खेल जहाँ विधि परंपरा रही हलदी खेल ये तो संपन्न हो सारी किंतु किसी स्थान में ये संपन्न होना संबलपुर किभली माहौल रही आम आपको देखाबू सेठाकर दृश्य किंतु एक छोट कमर्शियल ब्रेक पर ब्रेक पर स्वागत मुझको कही विशेषकर संबलपुर किभली दृश्य रही है संबलपुर शैवपीठ मानक आज के चलचंचल रही से दृश्य आम आपको देखाइबू आम सहित आम प्रतिनिधि संबलपुर मलय भई आम सहित सीधासल को जोड़े रही मलय आज शीतल षष्ठी देवदेव महादेव विवाह उत्सव बर्तमान आप केठार अच्छा सेठाकर माहौल किभली देखुं निश्चित पक्षे माधुरी देखु आज हूँ देवदेव महादेव और माता पार्वती विवाह उत्सव मध्यान राति माता पार्वती शिव बाहर रही आप जानते जो संबलपुर षष्ठी कहले संबलपुर हूँ प्रसिद्ध षष्ठी ये षष्ठी कथा कहले सारा ओडिशा लोक जानते आपड़ जानते जे शीतल षष्ठी पूरापूरी मसक आगर प्रस्तुति होता है कि एथर कोरोना जो एत मात्र आडंबर करतमान मुझे संबलपुर झाड़ुआपड़ा लोकनाथ बाबा जो बाहा पार्वती घरे अच्छी आप देखु माता पार्वती
वर्तमान सुधा घर अच्छा जो रीतनीति अनुसार गत किद जो पतरपेडी कार्यक्रम कह जो गुआ गुंडा कार्यक्रम कह जो जहाँ जहाँ कार्यक्रम रही सब रीतनीति अनुसार हो आज जिते बेले मध्यराती रे माता पार्वती शिव बाहा हेब याक नहीं बर्तमान समय पूरा पूरी प्रस्तुति शेष होखुवे माता पार्वती घरे अच्छा से देखुवे पूरा पूरी सुसज्जित अच्छा आउ कई घंटा पर मध्यराती जितेबले बाहागर हेब ता पूर्वर एठू माता पार्वती जी जो आरण्य मंडप रही झाड़ुआपड़ से शिव बाबा माता बहुत उत्सव हे जो माता पार्वती जो अच्छा पिता तांकर प्रतीक्षा रखा जेतु कि आप जानते प्रत्येक वर्ष पड़ार विभिन्न लोक था जो मैंने निज झी रूपे पार्वती को नहीं था से थर एम कि अच्छी भावना पचारि बुझा आज्ञा देखु एथर आप माता पार्वती आप झी रूपे पाई आज बाहर अच्छे कौन कौन आज दिन सारा कार्यक्रम कल प्रस्तुति आम सका गलु मंदिर मंदिर जाकि माँ पार्वती आनलु घर को घर को हल्दी तेल तेल हल्दी है अभिषेक है पहला तापर तेल हल्दी है पूजा अर्चना है आलती है सब किस आति माँ को लेकिन सीटी जीव मंडप ठारे बहुत उत्सव संपन्न आप झील पार्वती केमती लगुच माँ पार्वती को आम झील हिसाब से पाइच बहुत दिन आम इच्छा था तार पर मंदिर गलु नहीं गलु आ तेल हल्दी मुखामुखी कलु तेल हल्दी मुखी कर समस्ते पड़ोसी समस्ते मामू मोहला गुआ समस्ते याक आसिले मकईचु बहुत खुश लगुच आसी डाकवा कटकणा लगी कोरोना कटकणा लगी बेस लोक तो डाकिने ना मजा लगी बहुत लोक डका आका जेहेतु कमिटी वाले मना कले बहुत लोक ना डाक बोले से माँ पार्वती को कम लोक डाक हल्दी तेल गंसन कराला आम एटा परंपरा है आम सब चली फिर बिहा कर राति सब चली देखु ये शिव पार्वती बाहर पूरा पूरी जो हिंदू परंपरा बाहर साधारण लोक सब आम हिंदू परंपरा जितकी देवा कथा जितकी माँ तक आशीर्वाद दीचन जितकी सहयोग तो आम सब घिणा बिका करा बिहा बंधु बांधव सब आसिक से माधुरी देखु माता पार्वती पिता और माता प्रतीक्षा नाला पर किसी लोक प्रतीक्षा रखा मैडम पार्वती आप पार्वती मोर तीन नणंद थी पार्वती को मिसिकी चार नणंद है पार्वती को नणंद रूप में पाई बहुत खुशी आ घरे भी सब बंधु बांधव जमा होती बहुत भल लगुच आज राति तो बाहर अच्छी बाहर भी किसी एंजय करानी खूब कार्यक्रम आज गंसन है हल्दी लगे समस्ते आम भी बंधु बांधव मिसिकी समस्ते हल्दी लगा लगी हेलु बहुत भल ये जो बाहर होती झीवं जो बाहर होती जो पड़ार लोक आस पड़ा लोक अच्छे प्रतीक्षा रखा आप झाड़ुआपड़ा अंचल लोक आप पड़ोसी घर पार्वती अच्छा बाहर होती लगे बहुत खुशी लगुच डाकि आम घर असुविधापी सका आसी पार्लि एवं आस दर्शन कर बहुत खुशी लगुच माधुरी देखु जो भले बाहर होता है साधारण लोक जो झील बाहर जिते बिल होता है जिते बिल निज पड़ार लोक डका निमंत्रण दिया दिखाई जे झील बाहर हे पूर्व जो पड़ा लोक आसो को देखा करते ठीक से ही शिव पार्वती बाहर में चली देखु पड़ा बासिंदा आसिकी पार्वती आसिक दर्शन कराई माता पार्वती जो घरे जी झील रूपे पाई गोटे सौभाग्य अन्य कथा कहे जो शीतल षष्ठी कहुए ये शीतल षष्ठी आप जानते बर पक्ष कन्या पक्ष दुई पक्ष लोक पिता माता चयन करमें जो चित्र आप देखु माता पार्वती पूरा पूरी सुसज्जित अच्छा आउ कई घंटा पर मध्यरात जो बहुत हम यू माता पार्वती अरुण्य मंडप को जी मंडपर बहुत आरंभ है जहाँ जना पड़ी माधुरी ओके विवाह कार्यक्रम जो कथा कहुच्छे जे ये तो रात रही कि मल जानवाक चाहिए गोटे पटे परंपरा अंपटे कोविड कटक से भितर कि चली तो आपने शुणुले सेठाकर प्रतिक्रिया जहाँ घरे ये पर्व को पालन करा जहाँ घरे पार्वती अच्छा किभली कार्यक्रम रही
पूर्वर जिते बाहर आज राति अनुषित होवाह उत्सव राति अनुषित होवार परंपरा रही है कि पूर्व जो रीतनीति रही से कार्य संपन्न जदि हो कि सेठाकर जो बासीदा मैंने रही जो मैंने से बापा माँ बा पितामाता होती से मन में बे खुशी रही है कि सबू भितर कोविड कटक टी फिका कर शीतलष्ठी कथ जो सामनाक आसे संबलपुर कथ आसे और संबलपुर बासीदा ढेर खुशी था कहीं संबलपुर अनेक शैवपीठ से यह पूजा अर्चना करा था विशेषकर आम देखी मुदीपड़ार जागेश्वर नंदपड़ार बालुंकेश्वर बाबा झाड़ुआपड़ार लोकनाथ बाबा पाखे चली था हलदी खेल ये खेल भारी खुशी दे था समस्त को समस्ते ये खेल में पूरा मजलिस था आम सहित जोड़े रोचान बुर्ला प्रतिनिधि ज्योति नंद आम सहित जोड़े रोचान ज्योति बर्तमान आपड़ केवठार अच्छा सेठाकर माहौल कि भले देखुंत ज्योति चलित बर्ष जो कोविड महामारी रोग हेतु कटक नहीं समस्त व्यवस्था कराई मो सहित अच्छे बड़बजार समलपुर बड़बजार निकट अच्छी से तरह जो परंपरा जो रही सजावाज रही आज जो बहुत अच्छी तो से नहीं कौन रही कौन व्यवस्था कराई मुझे सीधा सब पचारि सहित जो अच्छे संवाद अच्छे सब जिन परिचालना सीधा सब पचारि तो आज जो आप जो अच्छी कार्यक्रम रही कौन रही कार्यक्रम कोविड नियम को नहीं कितने रही सकाले प्रथम बंदी पिटा है माता पार्वती को ये कन्या रूपे पाई घर को निगला हल्दी लेपन है दे गंठा है पानी पल्टा है मैंने गोटे झील को जपरी बाहरा सब परंपरा करा जाए सन्धार पुणी मंदिर गुणा हम मंदिर में रीतिनीति हिसाब से बाहर हम कोविड लगे आम जरा बाहर करा ना भगवान श्री शिव भगवान आम पालंकी नहीं कर माता पार्वती घर को जातु बराद कर गाजा गाजा रश्मि करी जातु महामारी जी जहाँ भी हम कोविड नियम मानिक मंदिर ही देखुद मारुति मैं आलोचना करते जो प्रत्येक प्रत्येक वर्ष जेटा कि लोक खुशी रही थाए संबलपुर सहर व संबलपुर जिले में प्रत्येक लोक मन हसी खुशी रही थाए लाइट लगी थाए पूरा लिचु लगी थाए लोक नाच गीत पूरा महकी जाती कि वर्तमान जो महामारी रोग को नहीं कि जो कोरोना कटकण जो रही जहाँकि सामना रखा समस्त विषय नहीं जो बराती जाती लोक भिड़ रही है संपूर्ण बंद कराई जो मंदिर रही है जहाँ रीति रिवाज रही है जहाँ नियम रही है संपूर्ण भाव में पालन करा संपादक निजे ओके ज्योति सहित आउ गोटे कथ जानक चाहूँ जेहेतु ये परंपरा कथ कहीं प्रत्येक वर्ष आम देखी था शीतलष्ठी किभली धूमधाम रे पालन कराए संबलपुर अंपटे कोविड कटक कोविड महामारी किभली भाव में पालन कर चलित बर्ष प्रत्येक वर्ष आप जो भाव में जो हसी खुशी चली जाए लोक लोक भिड़ बहुत लगी रही है संबलपुर जिला बासी गण पूरा ओडिशा तो प्रत्येक सहर आसी कि बर्तमान आज संपूर्ण भाव संस्थान देखा मिलती खाली रही कौन व्यवस्था कराई शीतलष्ठी संबलपुर गोटे महान पर्व गोटे गणपर्व आपे पंद्रह दिन पहला संबलपुर चले आसवे आपको जना पड़ब जे संबलपुर शीतलष्ठी यात्रा आरंभ हो गला बर्तन घर को झील पुह पूर्णमा सब आसती लेकिन कोविड लगे लोक आसुना गत वर्ष जपरी होता ए वर्ष सेपरी आम पूरा एडजमेंट कर सरकार सांगे आम अच्छु जिला प्रशासन आम सांगे अच्छू कोविड नियम हिसाब से जपरी जो किसी कराब समस्ते मास्क पिंधे रेबे दुई गज दूरत रखा सानिटाइजर रखा नियम कानून मानिक पंद्रह कोड़े जन आनी आम ये बाहर कर देखते माधुरी आ गोटे गोटे विषय देखिए निजे देखी पारे सजवाज किपुर चली लोकों व्यवस्था करा लोक लाइट लगे लोकों भिड़ तो न हो कि जो नियम रही जो सजवाज रोक पूरा मंदिर सजाई जहाँ सन्धे जाऊँ बराती बाहर कथा कि मंदिर भितर जहाँ रीति कार्यक्रम हम कि आप भल देखी पारे देखो लोकों भिड़ नहीं कि लोक मन में खुशी होती कि जो भाया खुशी होती लोक मैंने किसी ना किसी गोटे त्रुटि रही जाऊँगी जहाँ महामारी कोरोना रोग बर्तन लोक संपूर्ण भावे कोविड महामारी चलित बर्ष संबलपुर सेतटा खुशी देखा मिलूना कहीं श्रद्धालु गहली ना कि रीतनीति अनुजाई पूजा अर्चना चली बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति आपंकर तमाम सूचना समय हो एक कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक पर पुणि थे स्वागत करुच्छे आलोचना को
ସମ୍ବଲପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ। ମଳୟ, ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ଗୋଟିଏ ଶୈବପୀଠରେ ଥିଲେ ବା ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଣି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ରାତିରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେସବୁ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମାଧୁରୀ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ହେଉଛି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘର। ତା ଥିଲା ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଲୋକନାଥ ବାବାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାହା ଏବେ ପାର୍ବତୀ ତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବାବା ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ମୋ ପଛପଟେ ଚିତ୍ର, ଯେ ବାବା ବାଲୁକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ବାହା ହେବ ତାକୁ ନେଇକି ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପୂଜକ, ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଆସିକି ସଜାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏହି ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ବାହା ହୁଅନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରରୁ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି, ବରାନୁଗମନ ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯେଉଁ ସେହି ବରାନୁଗମନ ବନ୍ଦ ଅଛି। କେବଳ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ରହିଛି ସେଠି ବାହା ହେବ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଯେଉଁ ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ପରମ୍ପରା କେମିତି ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ ଏଥର କୋଭିଡ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ, ଆଜି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବାହାଘର, ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଆଜି ମାନେ ବାହାଘର ହେବ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳଙ୍କାର ବେଶ ଛାଡ଼ିଛି ଚାଲିଛି, ଆମର ପ୍ରାୟ ବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇଟା ସାରୁ ସାରୁ ପ୍ରାୟ 4-5 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କର ବାହାଘର କେମିତି ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଖାଲି କହିବି। ଯେତେବେଳେ ତାରକାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ପାର୍ବତୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁଠାରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାକାର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ବା ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ବୁର୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ କୁଇଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।